नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अरोड़ा बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन पे। तो दोस्तों 3 BHK का फ्लैट लेकर आ गया हूं 100 गज के अंदर विद लिफ्ट विद कार पार्किंग नियर बाय उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन अप टू 90% लोन के साथ। साथ ही काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर ये फ्लैट है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स मिलते रहें। अब आइए फ्लैट की करते हैं डिटेल वीडियो स्टार्ट। दोस्तों एंटर करते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं लिविंग एरिया। बहुत शानदार और स्पेशियस लिविंग एरिया आपको मिलने वाला है। प्लीज़ एक बार पीछे जाकर दिखाइए कितना स्पेस आपको लिविंग एरिया में प्रोवाइड हो रहा है। इसी के बाद अगर आप फुली फर्निश्ड में जाते हैं तो आपको 3 बेड और 1 सोफा सेट हम लोग इंक्लूड देते हैं। सोफ़ा सेट आप देख सकते हैं, 8-सीटर 9-सीटर सोफ़ा लगा रखा है, साथ में 2 पफीस है, बीच में सेंटर टेबल लगा कर दे रहे हैं। वॉलपेपर आपको एल कॉर्नर का पूरा वॉलपेपर आपको 3D वॉलपेपर जिसे कहते हैं कस्टमाइज लगा के दे रहे हैं। चेंज कराना चाहो तो चेंज भी करा सकते हैं। साथ ही सामने एक आपको LED पैनल प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लगभग हाफ से भी ज़्यादा वॉल पे पूरा LED पैनल आपको प्रोवाइड हो रहा है, जिसके अंदर येलो कलर की लाइट्स लगा रखी है जो बहुत शेड मार रही है। यहाँ पर आप अपना जो है LED इंस्टॉल कर सकते हैं। स्विच बोर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं। घर की जितनी भी सैनिटरी या स्विच बोर्ड्स है या इलेक्ट्रिसियन से रिलेटेड जो भी सामान है सारा का सारा ब्रांडेड आपको प्रोवाइड हो रहा है। फॉल सीलिंग की बात कर लेते हैं, बहुत शानदार फॉल सीलिंग आपको करा कर दे रहे हैं। बीच में एक शेड लेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, 2 आपको ओरिएंट कंपनी के फैंस प्रोवाइड कर रहे हैं, सीलिंग फैंस, कोब लाइट सीलिंग लाइट्स हमारे ऑलमोस्ट ज़्यादातर सब फ्लैट्स में सब कुछ लगी होती है। ये मेन डोर की एंट्रेंस है, मैं एक बार दिखाता हूँ। 8 फीट का गेट लगा हुआ है, बैक साइड से अभी फ्रंट साइड से भी दिखा दूंगा। स्टेनलेस स्टील की क्लैश प्रोवाइड कर रहे हैं, लॉक जितने हैं सारे ब्रांडेड है आप देख सकते हैं। इसकी कीज भी आपको 3-3, 4-4 प्रोवाइड हो जाएगी। इसी के साथ नीचे फ्लोरिंग की बात कर लेता हूँ। 2x2 की विट्रीफाइड डिजिटल टाइल्स आपको प्रोवाइड हो रही है, क्रीमिस से वाइट से शेड के अंदर। इस टाइम लिविंग एरिया में खड़े हैं और देख सकते हैं कि AC का भी प्रोविजन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, स्प्लिट AC का। विंडो AC का प्रोविजन इस लिविंग एरिया में नहीं है तो स्प्लिट AC का प्रोवाइड कर रहे हैं। लिविंग एरिया के सामने यहाँ पर आप अपना डाइनिंग इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट सामने ही किचन है ताकि गर्मा गर्म खाना सर्व हो सके। आइए अब किचन में लेकर चलता हूँ आपको। तो ये किचन की एंट्रेंस है। यहाँ पर किचन की स्टार्टिंग में एक आपको शीशा प्रोवाइड हो रहा है, ब्यूटी को और इनहेंस करता है ताकि आपका सिंक ना दिखे जो भी गेस्ट आपके लिविंग एरिया में बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप अपना RO इंस्टॉल कर सकते हैं। नीचे जो है सारा सैनिटरी वर्क यहाँ पर करा कर दिया हुआ है वर्ना कंपनी का। यहाँ पर एक सिंक आपको प्रोवाइड हो रहा है। टाइल्स जो है वाइट कलर की इसमें लगी हुई है। चिमनी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हालांकि इसमें चिमनी की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इसी के फ्रंट साइड पे बालकनी है तो एग्जॉस्ट से भी हो जाता क्योंकि विंडो भी इसमें प्रोवाइड हो रही है, फिर भी एक चिमनी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ड्रॉर्स मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, जितना भी है सारा हाइड्रोलिक इसमें काम कराया हुआ है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसको ऐसे छोड़ेंगे तो आवाज़ आएगी या कुछ भी होगा। मस्टर्ड एंड ब्लैक कलर के अंदर सारा सनमाइका वर्क कराया हुआ है और यहाँ पर जो है पत्थर लगाकर आपको दिया जा रहा है। एक बार मैं स्टोरेज के लिए आपको दिखाता हूँ, स्पून्स वगैरह प्लेट्स वगैरह आप इस तरह ड्रॉर्स में रख सकते हैं। सारा जितना भी है सब हाइड्रोलिक आपको इसमें करा कर दिया जा रहा है। तो ये हो गई किचन की बात। ऊपर एक शेड लेयर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। घर में सब में पूरे घर में फॉल सीलिंग हुई है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिविंग एरिया में या रूम्स में फॉल सीलिंग है, पूरे ही घर में आपको फॉल सीलिंग प्रोवाइड हो रही है। इसी के साथ एक कॉमन वॉशरूम भी है लिविंग एरिया में, वो आपको दिखा देता हूँ। आइए तो वॉशरूम में एंट्री करते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे वॉल माउंटेड आपको सीट प्रोवाइड हो रही है। इसी के साथ टाइल्स वर्क देखेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट कलर के अंदर आपको टाइल्स प्रोवाइड हो रही है। एक शॉवर आपको इंक्लूड दे रहे हैं, डाइवर्टर आपको इंक्लूड दे रहे हैं, वर्ना कंपनी का ही सारा डाइवर्टर वगैरह लगा कर दिया हुआ है। एक आपको यहाँ पर वॉश बेसन इंक्लूड दे रहे हैं ईरोस कंपनी का, यहाँ पर जो है मिरर आपको एक प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही गीज़र की फिटिंग के लिए ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये स्विच बोर्ड भी दे रखा है, अपना गीज़र लगा सकते हैं। ऊपर यहाँ एग्जॉस्ट की आपको प्रोविजन दे रहे हैं। तो यहीं से बिना कट मारे ही चलते हैं अपने फर्स्ट रूम में जो कि मास्टर बेडरूम है। आइए तो वॉशरूम से बाहर निकलते हैं, किचन के साइड में ही हमारा मास्टर बेडरूम है, सीधा आपको उसमें लेकर चलते हैं। अंदर एंटर करेंगे, सबसे पहले आपको एक बेड प्रोवाइड हो रहा है अगर आप फुली फर्निश लेते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग का काफ़ी अच्छा डिज़ाइन प्रोवाइड हो रहा है। साथ ही फ़ैन लगा हुआ है, ओरिएंट कंपनी का सीलिंग फ़ैन आपको प्रोवाइड हो रहा है। कोब लाइट सीलिंग लाइट्स ये सब हमारे फ्लैट्स में इंक्लूड ही रहती है। साथ ही पीछे वॉल पे कस्टमाइज वॉलपेपर आपको मिल रहा है फ्लावर के प्रिंट के अंदर, चेंज कराना चाहो चेंज भी करा सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर एक वॉशरूम भी आपको कनेक्ट मिल रहा है, वही सारी चीज़ें वॉशरूम वगैरह सब कुछ सेम, बस टाइल्स का कलर चेंज है। इसी के साथ वार्डरोब भी आपको एक, क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है तो वार्डरोब और वो वॉशरूम आपको इसमें इंक्लूड मिल रहा है, ये देख सकते हैं। तो ये हो गई फर्स्ट रूम की बात।
अब चलते हैं अपने सेकंड रूम में आइए। तो लेकर चलता हूँ आपको अपने सेकंड रूम की ओर, जो कि लिविंग एरिया से होते हुए, किचन से होते हुए बालकनी से कनेक्टेड है, और एक वार्डरोब भी उसमें आपको इंक्लूड मिल रही है। तो सेकंड रूम में भी एंटर करेंगे, आपको एक बेड लगा हुआ मिलेगा, इसी के साथ पीछे कस्टमाइज वॉलपेपर मिल रहा है, लाइट्स, डिज़ाइनर लाइट्स हमने वॉल्स पे लगा रखी हैं, फॉल सीलिंग पे देख सकते हैं कितना शानदार डिज़ाइन लगा हुआ हुआ है, साथ ही आपको सीलिंग फैन मिलता है, कोब लाइट्स मिलती है, सीलिंग लाइट्स मिलती है, सब इंक्लूड होता है हमारी प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ तक कि पर्दे की जो रोड है, कर्टेंस की रोड तक आपको इंक्लूड मिल रही है, स्टेनलेस स्टील की क्लैश हो गई, ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड हो रही है। एसी का प्रोविज़न आप यहाँ पर कर सकते हैं, विंडो एसी का। वार्डरोब आपको एक इसमें भी प्रोवाइड कर दी जा रही है, येलो कलर की, मस्टर्ड कलर की, पूरे घर में जो है मस्टर्ड और ब्लैक कलर का कलर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। तो अब लेकर चलता हूँ आपको बालकनी में, आइए। तो बालकनी में एंटर करेंगे, आप देखेंगे कितनी स्पेशियस बालकनी आपको प्रोवाइड हो रही है, वहीं आप अपनी वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं। टैब हमने इसमें लगा कर दिया है, ये हमारे सेकेंड रूम की विंडो यहाँ से आ रही है, तो वेंटिलेशन से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम आपको इसमें बालकनी में नहीं होने वाली। अभी एक लास्ट रूम जो थर्ड रूम है 3 BHK का, वो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकर चलता हूँ आइए। तो ये हमारा थर्ड बेडरूम है, आइए मैं आपको एक मास्टर बेडरूम और दूसरा कबर्ड वाला रूम दिखा चुका हूँ। इस वाले रूम में कबर्ड प्रोवाइड नहीं कर रहे हम लोग, पीछे कस्टमाइज वॉलपेपर ज़रूर मिल रहा है, फॉल सीलिंग्स वही सेम मिल रही है, मतलब सेम नहीं है, सब रूम्स में डिफरेंट डिज़ाइंस है, और इसी के साथ बीच में ओरिएंट का सीलिंग फैन इसमें प्रोवाइड हो रहा है। इसी के साथ एसी का प्रोविज़न हमने यहाँ पर दिया है डक्टिंग करके, क्योंकि विंडो एसी का स्पेस नहीं है, तो स्प्लिट एसी की डक्टिंग प्रोवाइड हो रही है। एक विंडो यहाँ पर पीछे ज़रूर दे रखी है, शॉफ्ट जिसे कहते हैं, ताकि वेंटिलेशन के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कर्टेंस देख सकते हैं, कर्टेंस की रोड देख सकते हैं, फॉल सीलिंग में लाइट्स देख सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको जितनी भी छोटी मोटी है हमारी प्रॉपर्टीज़ में सारी आपको प्रोवाइड होगी। सेमी फर्निश लेते हैं तो आपको 1 से 1.5 लाख रुपए का कम से कम फ़र्क आ जाएगा फुली फर्निश और सेमी फर्निश में, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर आपको ये फ्लैट हम लोग प्रोवाइड करें। हाँ तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा 3 BHK का फुली फर्निश्ड फ्लैट विद लिफ्ट विद कार पार्किंग? फ्लैट की विजिट बुक कराने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, हम आपकी विजिट बुक करा देंगे। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।